हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज हमारे साथ है दिनेश गुप्ता सर, जो माइंडसेट गुरु हैं एंड ये मैकेनिकल इंजीनियर भी है सर, प्लस जो स्टॉक पे भी इनका टॉक आ चुका है, टेडेक्स स्पीकर भी हैं। आज हम इनसे एजुकेशन के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे और थोड़ा उनके बारे में जानेंगे, और एज ए एजुकेशन ये इनका क्या राय है वो हम आज डिस्कस करेंगे। इंस्टीट्यूट में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं तमाम व्यूवर्स का इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो लोग हमें विप्रा माइंड्स के चैनल्स पे हमें रोज रेगुलर सुनते हैं, और जिन मैंने सुना है आपके चैनल्स के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है, तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ सर। आप ऐसे ही काम करते रहिएगा। थैंक यू सर। सो मेरे कुछ क्वेश्चंस है, प्लीज अगर आप उस पर थोड़ा फोकस करेंगे, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, हमारे जो स्टूडेंट्स है, उनको काफी हेल्प आउट करें एजुकेशन। जरूर जरूर सर, जरूर। पहला ये है कि सर, पहला तो आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बता देंगे तो कई बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं, वो सारी चीजें। जरूर। ये सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं तमाम व्यूवर्स को इसका जवाब देना चाहता हूँ। मेरा जो एजुकेशन है, मेरी जब हम बचपन में पढ़ाई करते थे तो कोई ऐसा एम नहीं था कि ये बनना है। हमारे पिताजी ने हमें यूरोपियन स्टाइल से पढ़ाया है, यानी जब हमें जब समर वेकेशन होता था, विंटर वेकेशन होता था, तो हमारे मेरे पिताजी, मेरे मेरे भाइयों को और मुझे कहीं ना कहीं वो काम के लिए भेज देते थे, पैसे के लिए नहीं। वो बोलते थे ये जाके कुछ सीखो, सीखना है। तो कभी हम सोनार की दुकान में काम करते थे, कभी हम छतरी की दुकान में काम करते थे, कभी हम वो चप्पल की दुकान में काम करते थे, कभी हम लोग हर टेलर की दुकान में तो मैंने 3 साल काम किया। तो ऐसा कोई एम नहीं था कि जिंदगी में ये कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है। लेकिन जब हम 10th में गए तो अब सीरियस होने का टाइम आ गया था। हम 10th में चले गए, 10th पास हो गए, लेकिन घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं आईटीआई में चला गया। पिताजी बोले आईटीआई कर लो तो 3 साल में हमारे घर में इनकम होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आईटीआई में चला गया। आईटीआई में टर्नर नाम का एक कोर्स होता है सर, आप इंजीनियरिंग आपने किया तो आपको पता होगा, पहला साल आपको लेथ मशीन का काम करना पड़ता है। तो मैं लेथ मशीन का काम करने लगा, 2 साल मेरी पढ़ाई पूरी हो गई आईटीआई में, और उसके बाद अप्रेंटिसशिप करना था। लेकिन इसी 2 साल के बीच में सर एक घटना घटी जिसने मेरे माइंड को एक विप्रा माइंड बना दिया सर। क्लासरूम में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है और नहीं बनता है। एक क्लासरूम में अगर 80 बच्चे हैं तो सबके सब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, लेकिन एक क्लासरूम में जितने बच्चे रहते हैं वो सब अपने अपने फील्ड के डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। और बस इसी लाइन ने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। 360 डिग्री मेरा जो माइंड पूरा चेंज हो गया। और उसके बाद फिर हमने डिप्लोमा में एडमिशन लिया, वो भी बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन पार्ट टाइम डिप्लोमा। उस समय बगोहे कॉलेज पॉलिटेक्निक और एक साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक जहाँ पर होता था, तो मैंने साबू सिद्दीक में मेरा एडमिशन हो गया। सबसे आखिरी में मेरे नाम था वहां पर, तो मैंने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा 4 साल, क्योंकि पार्ट टाइम डिप्लोमा 4 साल का था, 4 साल के बाद 2 गोल्ड मेडल लेके मैं बाहर निकला वहां पर। फिर उसके बाद सर मैंने AMIE होता है, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, जहां से मैंने अपना डिग्री, इक्विवेलेंट टू डिग्री होता है वो हमने पूरा किया। फिर आप बोले कि पढ़ाई अच्छी चल रही थी, थोड़ा सा पढ़ाई में मजा आ रहा था, लेकिन सर एक बात मैं बताना चाहता हूँ राहुल सर, मैंने कभी घर में बैठ के पढ़ाई नहीं किया। ओके। मैं हर एजुकेशन में, हर सिस्टम में मैं काम करता था और रात को पढ़ाई करता था। तो इसी तरह से मैं IIT बॉम्बे में पहुंच गया। पहली बार IIT में एडमिशन नहीं मिला, फिर हमने वापस ट्राई किया और हमारा IIT में एडमिशन हो गया नॉन क्रेडिट मोड पे, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एम्बेडेड सिस्टम। ये कोर्स चलता है IIT मुंबई से, जहां पर मैंने अपनी पढ़ाई वो पूरी की। फिर उसके बाद मेरा MTech हुआ, PhD हुआ, लेकिन ये मेरा बैकग्राउंड था एजुकेशन का, जो आपने सवाल पूछा सर। काफी ग्रेट जर्नी था सर आपका, मींस आपने ज्यादा फोकस लर्निंग पार्ट पे किया। इट्स नॉट लाइक इंसान आगे तब बढ़ता है जब वो लर्निंग पे फोकस करता है, अपने स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करता है। सर आज का हमारा विषय भी यही है। आज आपने जो पर्सन को यहाँ पर बुलाया, मुझे लगता है कि आपने, पता नहीं आपने राइट पर्सन को बुलाया कि नहीं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बोलते ना, एक बुकिश नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, रेदर देन जैसे आपने बोला आपके फादर जो बोलते थे कि आप इधर जाके काम करो, वहां से आप एक स्किल डेवलप कर। सो अभी मेरा दूसरा सवाल है सर, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड का मेरे पता चल गया सर, सो एजुकेशन के का मतलब आपकी लाइफ में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एज अ एजुकेशन? हाँ हाँ, ये सवाल आज की तारीख में हमेशा ये सवाल फर्स्ट है सर, यानी दिस इज द फर्स्ट थिंग फर्स्ट बोलते हैं ना सर, वैसा है ये। एजुकेशन का मतलब मेरे हिसाब से, और मैं इस पर बिलीव भी करता हूँ, जब मैं इथोपिया में, जब जंजीबार में था, जंजीबार के मैं वहां के जो हमारे एम्बेसडर हैं भारतीय राजदूत के ऑफिस में गया था, वर्मा साहब थे वहां पर, और मैं जब उनको मिलने गया था उनके ऑफिस में मैंने एक लाइन पढ़ी थी, आइंस्टाइन का एक कोट लिखा था, आइंस्टाइन को किसी ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय एन एजुकेशन, और एजुकेशन का मतलब जो आइंस्टाइन ने बताया वो मैंने अपनी जिंदगी में उसको उतारा है। जैसे महात्मा गांधी कहते हैं सत्य के साथ मेरा प्रयोग, तो मैं कहता हूँ एजुकेशन के साथ मेरा प्रयोग, और जो एजुकेशन में मुझे जो चीज समझ में आई सर, वो आइंस्टाइन ने भी वही बात कही और कहीं ना कहीं मैं भी उससे एग्री हूँ, और शायद मुझे लगता है सर राहुल सर आप भी उससे एग्री होंगे। वो कहते थे व्हाट्स रिमेन इन योर माइंड, एजुकेशन का मतलब बता रहे हैं व्हाट्स रिमेन इन योर माइंड आफ्टर फॉरगेटिंग एवरीथिंग दैट इज योर ट्रू एजुकेशन। What's remain in your mind, that is your Vipra mind. What's remain in your mind, sir, हमारे दिमाग में जब एक दिन हमारे पास किताब नहीं रहेगी, आज आपके पास इंजीनियरिंग की किताब नहीं है, लेकिन आपको वो सिद्धांत पता है, आपको पता है न्यूटन्स का पहला सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत, आपको पता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, आपको पता है कंप्यूटर कैसे, कौन से सिद्धांत GIGO पे काम करता है, सारे सिद्धांत आपको पता है। आज किताब नहीं है सर, आज हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड का किताब नहीं, फोर्थ स्टैंडर्ड का किताब नहीं, टेंथ का बुक नहीं है हमारे पास, लेकिन सर आपने उस समय जो पढ़ा था आज भी आपको याद है, that is your education. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे दिमाग में आखिरी तक बसता है सर, आखिरी तक, यानी सब जब सारी चीजें खत्म हो जाती है और जब आपके पास कुछ नहीं बचता है तो आपके पास एजुकेशन बचा है, तो मेरे ख्याल से सर ये उसका मीनिंग है। काफी व्यू है सर आपका, सो होप काफी लोग एग्री करेंगे ये चीज से, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। श्योर सर, हाउ वन कैन एजुकेट वन सेल्फ, कि वो अपने आप को कैसे एजुकेट करे, वो मेरा थोड़ा सवाल था कि आज के टाइम पे इंसान को अपने आप कैसे डेवलप करना है, अपने आप को कैसे एजुकेट करे, उस पे आप थोड़ा फोकस करेंगे इस पर। मैं सर चार चीज बताना चाहता हूँ। ये सवाल मैंने अपने मेंटर को पूछा था जब हमारा एक कोर्स पूरा हो रहा था, जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था कि ट्रेनर कैसे बनना है, ट्रेनर का कोर्स मैंने अटेंड किया था, और हमारा आखिरी का दिन था सर, और हमने बोला सर हम लोग यहाँ पे 15 दिन आपके साथ थे, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन 15 दिन के बाद हम जब अपने माहौल में जाएंगे, जब हम अपने घर पर जाएंगे, जब हम बाजार में जाएंगे, जब हम अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे, तो हमारा माइंड वापस डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमेशा अपने आप को एजुकेट कैसे रखें। और उस सर ने बहुत अच्छी बात बोली, और मैं आज तक सर फ्रॉम मींस टिल टुडे आई एम दैट अप्लाइंग दैट नॉलेज सर। उन्होंने जो बोला, उन्होंने कहा कि आपको रोज किताब पढ़ना है। उस समय YouTube चैनल नहीं था, नहीं तो उस समय अगर मेरे मेंटर, उस समय YouTube चैनल होता तो मेरे मेंटर ही जरूर बोलते कि आपको रोज एक किताब पढ़ना है, यानी जितना पढ़ सकते हैं, आपको रोज एक वीडियो देखना है, आपको रोज एक अपने मेंटर या अपने फ्रेंड, जो आपके एक, जैसे आपने एक ग्रुप बनाया सर, मैं बताना चाहता हूँ तमाम व्यूअर को, सर के द्वारा एक एजुकेशनिस्ट लोगों का एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें उन्होंने मुझे भी जोड़ा है, और वही उसी की देन है कि आज मैं आपके सामने हूँ। तो आपको एक ऐसे ग्रुप में रहना है जो आप सेम माइंडेड के लोग रहेंगे, तो वहां पर आप कुछ नया विजन या मिशन बना के आप अपने कुछ तो एक साकार कर सकते हैं, कि योर थिंग कैन बिकम योर थॉट्स कैन बिकम ए थिंग, और अपने थॉट्स को वहां पे थिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और चौथा जो है, हमेशा रोज कुछ ना कुछ करते रहना है। तो ये चार चीज जो है, हर आदमी अपने आप को, जैसे आजकल बहुत सारे ऐप्स भी आ गए मार्केट में कि जिसके द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन ये चार चीज आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने आप को अगर आप एजुकेट करना चाहते हैं तो सर रोज किताब पढ़ना है, कम से कम एक पेज तो पढ़िए, एक पेज पढ़िए, लेकिन पढ़िए, एक वीडियो कम से कम देखिए, एक वीडियो देखिए। जैसे आप लोग ये वीडियो सर की वीडियो को अगर आप देखते हैं, तो ये आप वीडियो अपने आप को इंस्पायर कर रहे हैं, अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं। आपको ऐसे ग्रुप में रहना है जहां पर आप सेम माइंडेड लोग रहें, और आपको अपने मेंटर से बातचीत करते रहना है। तो आप भी सर बहुत सारे लोगों के मेंटर हैं, आप भी बच्चों को इंस्पायर करते रहते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। एजुकेशन के बिना फ्यूचर हो ही नहीं सकता, मेरे पास मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन है तो फ्यूचर है, जरूरी नहीं। अभी एजुकेशन का मतलब हर एक को लगता है कि डिग्री है तो मेरा फ्यूचर है, नहीं। अभी कुछ देर पहले मैं एक पर्सन को मिल के आ रहा हूँ सर, वो मात्र 10वीं पढ़ा है और उसने कंपनी खड़ी कर दी। Okay. और ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, अंबानी परिवार में भी आप देखेंगे, जो धीरू भाई अंबानी थे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन
उन्होंने एजुकेशन अपना जो एजुकेशन था हाँ, उस एजुकेशन का उन्होंने उपयोग किया और उससे वो आगे बढ़े। एजुकेशन का जो फ्यूचर सर यही है, जितना आपने पढ़ाई किया ना उसको अपने नॉलेज में कन्वर्ट कर दिया, जितना आपने इंफॉर्मेशन लिया अब तक। हम लोग तो इंफॉर्मेशन देते हैं, स्कूल इंफॉर्मेशन देता है, कॉलेज इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन ये स्टूडेंट का जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करे और उससे कुछ नया करे। काफी अच्छा मैसेज था। सो फाइनली अब क्या लास्ट मैसेज देना चाहते हैं हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे जो स्टूडेंट है, वो अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अपने अपने स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? विप्रा माइंड्स की तरफ से मैं तमाम व्यूअर्स को फिर से ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक जबरदस्त मैसेज देना चाहता हूँ। मेरा लाइफ का वो पूरा, आप बोल सकते हैं कि मेरा वो एक लाइन में अगर मुझे बोला जाएगा तो मैं यही लाइन कहूंगा, सर आपने ये सवाल पूछा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। विप्रा माइंड्स के प्लेटफॉर्म पर मैं कहना चाहता हूँ, तमाम व्यूअर्स को कहना चाहते हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग शेयरिंग के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जहां से भी लोग सुन रहे हैं, ये बात को याद रखिएगा, आप लोग एजुकेशन लीजिए, जितना हो सकता है एजुकेशन लीजिए, लेकिन एजुकेशन इसलिए मत लीजिए कि मुझे कहीं नौकरी करनी हो, मुझे एजुकेशन इसलिए लेना है कि मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ बिजनेस करना है, मुझे नया करना है, मुझे कुछ तो कंट्रीब्यूशन करना है। साहब ये नोबेल पुरस्कार जो मिलता है ना, नोबेल पुरस्कार मिलता है, पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, साहब ये आपको कितना डिग्री मिला उसके लिए नहीं मिलता है, कितना आपने पढ़ाई किया उसके लिए नहीं मिलता है, उसको सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया सोसाइटी। तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही लक्ष्य हमारी पढ़ाई का होना चाहिए सर, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन जो आप कर रहे हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सो काफी अच्छा सेशन रहा सर, एंड होप हमारे व्यूअर्स को ये जो आपने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए कि लाइफ में हमें क्या करना चाहिए और एजुकेशन को कौन से नजरिए से देखना चाहिए, और क्योंकि बहुत सारे बोलते ना एजुकेशन कोई खराब नहीं होता, कोई सिस्टम खराब नहीं होता, हमारा अप्रोच खराब होता है कहीं ना कहीं। अगर हम वो अप्रोच हमारा सही हो तो ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल होंगे। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, एंड थैंक यू टू ऑल। होप आपको ये जो हमारा सेशन था आपको इंस्पायर करेगा, और सर का जो जॉब स्टॉक का जो सेशन है वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप प्लीज वो भी, आप सर का पूरे लाइफ का जर्नी जो है उन्होंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज आप वो भी देखिएगा। थैंक यू सो मच।